सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक इन अनदर एपिसोड ऑफ आर कंप्लीशन सीरीज। तो लास्ट एपिसोड में लेवल 10 के 3 में से 2 डाइनो टेम कर लिए थे मैंने, और लेवल 11 भी जाना पड़ा था ट्रैप करने के लिए। तो आज चलते और एक फ्यूमिया ढूंढते जो कि तीसरा और लास्ट डाइनो है। और हाँ, हमें आज सीमेंटिंग पेस्ट भी ढूंढना पड़ेगा कार्बोनेमिस के सेडल के लिए, तो उसके लिए भी बीवर डैम लूटना है। तो चलते पहले बीवर डैम लूटने। वाह, आज ही के दिन एक फसड़ में हमें अल्फा रैप्टर मिल चुका है। तो सीधा चलते हैं बीवर डैम लूट के घर पे, क्योंकि मुझे अपनी तीसरी मौत यहाँ नहीं करवानी। और एक बीवर डैम भी नहीं बना रहे, कितनी बुरी किस्मत है आज। ओके, तो फाइनली बीवर डैम मिल चुका है, इसको लूट के सीधा चलते कार्बोनेमिस का सेटअप बनाते और फ्यूमिया को भी ढूंढना है। दर्द भरा एपिसोड।
इतना रिस्क लिया अल्फा रैप्टर से बच के आए इसका सैडल बनाने के लिए, जो कि पानी में भी कछुआ है। कछुए के नाम पे कलंक है बंदा, क्यों ही टेम किया। वाह, 405 लेवल का रैप्टर इसे ही मिल रहा है। टेम करने का टाइम आएगा तब मुझे मिलने से रहा। पैरासोर अच्छा है, पानी में स्पीड में तैर लेता है। कार्बन में इसके लेके आता तो अब तक तो यहीं पे कब्र खुद जाती हमारी। इस साइड तो फ्यूमिया मिला नहीं, अब वहाँ पे चलते, मोस्ट डेंजरस एरिया अभी के लिए। ओके, तो फाइनली लेवल 255, इसको अटेम कर लेता हूँ। इसका काम वैसे भी सिर्फ हग नहीं है, तो इसको कर लेते अभी ट्रैप सेफ एरिया में जाके, और मैं मिलता आपको इसको ट्रैप करने के बाद। ओके, सो मैं यहाँ सोच रहा था कि इस वुड लॉक की वजह से निकलेगा नहीं, तो या आई वॉज टू डम टू इवन थिंक दैट। ओके, सो तीसरी बार, होपफुली इस बार भी ना निकल जाए। तो पहले वो लगाते, उसके बाद एक बार सो जाता हूँ ताकि इससे इसका फूड लेवल एकदम ज़ीरो हो जाए। उसके बाद इसको बेरी देते, क्योंकि कार्बोनिमिस को टेम करते वक्त मुझे ऑलमोस्ट आधा दिन लग गया था रियल लाइफ। तो एक बार सो जाते और अभी भी ट्रैप है। तो फाइनली ट्रैप हो चुका है, अब इसको बेरी देता हूँ और मिलता हूँ आपको इसके टेम हो जाने के बाद।
दो फ्लेयर गन। काश इसमें भी बगमे की तरह ऊपर से फ्लेयर मारते और ऊपर से एम्बर गिर के आते ड्रॉप में तो अच्छा रहता। खैर इसका तो कुछ काम भी नहीं है फ्लेयर गन, पता नहीं क्यों ही डाली। और इस चैलेंज में अलग से मेरा गन पाउडर और वो वेस्ट होने वाला है इसकी वजह से। और बाय द वे आज हम न्यू बेस लोकेशन भी ढूंढने नहीं वहाँ जाने वाले, क्योंकि लोकेशन वही है मिथिक एक्स गेमिंग की पूल वाली। और वैसे भी यहाँ एक दो बार रैप्टर आ चुके तो मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता, तो वहीं चलते आज न्यू बेस वहीं बनाएंगे। ओके सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ वुड बेस बनाने वाले, मतलब इस रॉक्स पे नहीं, कोई और लोकेशन है जो मैंने एक ढूंढ के रखी एक स्पेशल, और हाउस डिज़ाइन मेरा ही रहेगा ओरिजिनल। ओके सो आज के लिए इतना ही, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और ये एपिसोड आने में कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, अगर आप यहाँ तक देख रहे तो थैंक यू। और don't forget to like and subscribe. I'll see you in next video. Bye bye.